नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन सेल जो कि बोनस देने जा रहा है। जो बोनस देने जा रही है कंपनी 1:1 के रेशियो में, मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। जैसा कि बोनस शेयर का लॉजिक है, ये कंपनी रिजर्व को यूज करता है, अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है और उस रिजर्व को कंपनी अब यूज करेगी अपने बिजनेस के ग्रोथ में। दूसरी बात, बोनस शेयर जानना इसलिए बेहतरीन है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक कंपाउंडिंग का काम करता है बोनस शेयर, जो बहुत ही जल्द शेयर होल्डर के रिटर्न को कंपाउंड करता है। तो इसलिए बार बार हम बोनस शेयर इश्यू पे जो वीडियो बनाते हैं कि कौन सी कंपनी लगातार बोनस शेयर देने जा रही है, उस पर आप ध्यान रखिए। अगर उस कंपनी में ग्रोथ भी है बोनस शेयर के साथ साथ, तो जरूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बोनस देने जा रहा है तो अभी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बोनस जो है एक साइड से बेनिफिट करता है। पहला बेनिफिट हमारा क्या है, ग्रोथ का। जब तक प्राइस में ग्रोथ ना दिखे तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इन्वेस्ट तभी करना है जब ग्रोथ दिखता है, तब बोनस शेयर आपको बेनिफिट करेगा काफी ज्यादा। देखिए, ये स्टॉक है हमारा सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप मात्र 902 करोड़ है, तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। 0.16 डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 12.9%, रिटर्न कैपिटल इंप्लाइड 15%, प्रमोटर्स होल्डिंग जो मैक्सिमम स्टेक हो सकता है 74.9%, डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.78 है, तो डेट टू इक्विटी थोड़ा सा मेंटेन है, मतलब अच्छा खासा है, कोई खास दिक्कत नहीं है। डेट जो कंपनी के ऊपर 197 करोड़ का है और कंपनी के पास जो रिजर्व है 238 करोड़ का, और कंपनी साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 10.2 करोड़ का। अब कंपनी की बात करते हैं जो बोनस देने जा रही है, और साथ साथ प्रॉफिट भी देख सकते हैं। जो कंपनी के सारी चीजें पैरामीटर्स को देखना काफी जरूरी होता है। देखिए, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का 30 करोड़ हुआ एनुअल नेट प्रॉफिट, और लगातार ये प्रॉफिट बढ़ रहा था। बीच में 2020 में गिरावट देखने मिला था प्रॉफिट में, जो कि आपको शेयर प्राइस में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। और वही इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर के आप देखते हैं, प्रमोटर स्टेक जो है लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है। कंपनी का जो रिजर्व है यहाँ पर देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है। और वही कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो अभी ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, मतलब ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए ज्यादातर, लगातार निगेटिव रहता है तो फिर हमारे लिए वो दिक्कत कर सकता है। वही कॉर्पोरेट टैक्स पे चल करके आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर बोनस नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स डेट नहीं आया है। जो एक्स बोनस डेट होता है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में इसका जो बोनस इश्यू का जो डेट है वो नहीं दिखेगा, कब रिकॉर्ड डेट है, कब क्या है, किस रेशियो में है। तो यहाँ पर आपको एक PDF डाउनलोड करना पड़ेगा BSEIndia.com से। चलिए तो PDF हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये PDF कॉपी है कंपनी के बोनस शेयर के रिलेटेड, यहाँ पर आपको बोनस इश्यू से रिलेटेड सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोनस का जो रेशियो है कंपनी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बोनस का रेशियो 1:1 है, मतलब जो फेस वैल्यू 10 का है, 10 रुपये फेस वैल्यू का हर एक शेयर पर एक शेयर आपको फ्री मिलने वाला है। फेस वैल्यू 10 है और जितने भी शेयर आपके पास है तो उतने शेयर आपको फ्री मिलने वाले हैं। और टोटल जो कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर इश्यू करने जा रही है वो है 1,42,85,264 शेयर यहाँ पर इश्यू होगा, जिसके लिए टोटल जो कैपिटल कंपनी यूज करेगा अपने रिजर्व से वो है 14,28,52,640। एक कुल इतना रुपीज यूज करेगा कंपनी अपने, मतलब जो रिजर्व है उससे, और प्रत्येक शेयर होल्डर को एक शेयर पर एक शेयर फ्री देगा। आपके पास 1,000 शेयर है तो 1,000 फ्री मिलेंगे, और टोटल जो शेयर इश्यू होगा बोनस में वो होगा 1,42,85,264 शेयर। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें कि बोनस आपको कब मिल आ जाएगा आपके अकाउंट में, तो विथिन 60 डेज फ्रॉम द बोर्ड अप्रूवल, जो बोर्ड का अप्रूवल का डेट होगा, जो शेयर होल्डर अप्रूवल देगा बोनस इश्यू को, तो उसके बाद बोर्ड जो अप्रूवल करेगा उसके बोर्ड के अप्रूवल के 2 महीने के अंदर, या कहें 31 जुलाई तक में आपके अकाउंट में बोनस शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी क्यूरी आता है कि सर बोनस शेयर मेरा अभी तक नहीं मिला, कब मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो कंपनी के आप जो बोनस इश्यू का PDF होता है कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के, या BSEIndia से आप डाउनलोड करके उस पर पढ़ सकते हैं। सारा डेट दिया रहता है कि कब तक में आपको बोनस इश्यू कर दिया जाएगा। तो पहले रिकॉर्ड डेट आएगा, रिकॉर्ड डेट तक में जिसके पास शेयर होगा उन्हें उसी को बोनस मिलेगा, और बोनस जो मिलेगा वो 31 जुलाई तक मतलब आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करता है बोनस इश्यू को, और उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल होगा, तो सारे प्रोसेस से होने के बाद अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब आपको 31 जुलाई तक बोनस मिलेगा, अगर आपके पास शेयर रहता है रिकॉर्ड डेट। अब देखिए, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर आ गए। जैसा कि टेक्निकल चार्ट पे, बिना आप टेक्निकल चार्ट पर देखे स्टॉक में कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर चार्ट देखे तो यहाँ पर देखिए चार्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था,
क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर 2019-20 में जो 19-20 फाइनेंशियल जो था प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था कंपनी का, यहाँ देखिए लगातार ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। जब तक स्टॉक अप ट्रेंड नहीं हो जाता तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में था, तो हम इन्वेस्ट कब करेंगे? जब स्टॉक कहीं पर ब्रेकआउट दे रहा, इसलिए हम जो वीडियो डालते हैं आपको ब्रेकआउट का, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हम तभी करेंगे जब वो कहीं पर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। अब स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, ये इसका लगातार रेसिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे, या यहाँ पर फिर से रिटेस्ट किया इस लेवल को, देख सकते हैं फिर से इस लेवल को लगभग रिटेस्ट किया, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इसलिए टेक्निकल चार्ट के बिना आप इन्वेस्टमेंट जो सही प्राइस पर नहीं कर सकते। आप डाउन ट्रेंड में कर देंगे, आप लंबे समय तक अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसको मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर ये स्टॉक जो है यहाँ पर लगातार इसको जब तक टच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टच किया नहीं किया, इस बार बिना टच के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पर आराम से इस ब्रेकआउट पर इन्वेस्ट कर सकते थे, या यहाँ से फिर से रिटेस्ट किया यहाँ पर कर सकते थे। अब देखिए 153 रुपीज़ में इन्वेस्ट करते, अभी करेंट प्राइस कितना है 664 रुपीज़, तो क्या अभी इन्वेस्ट करें? अभी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का इसमें सही वक्त नहीं है। देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट में करती है, लेकिन जो कंपनी है वो किस बिजनेस में है? जो टावर का बिजनेस है, तो इस तरह से बिजनेस को भी आपको देखना होता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसको देख करके बिजनेस, देखिए यहाँ पर टेलीकॉम टावर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन टावर हो गया, सोलर पैनल हो गया, तो ये जो कंपनी का बिजनेस है इसमें जब इसको टेंडर मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जिस समय इसको टेंडर नहीं मिलेगा, जिस समय इसका जो वर्किंग है वो कम हो जाएगा, तो उस समय प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस ख़राब हो गया, वहाँ पर जो कभी कभी मतलब टावर का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो नया प्रोजेक्ट जब बड़ा सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जब तक, तब तक कंपनी को बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, तब प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, जो शेयर प्राइस में यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ कि लगातार शेयर प्राइस में गिरावट देखने मिला। तो अब जैसे अब ट्रेंड में आया तो फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये फिर से कभी इस स्टॉक में गिरावट आता है तब इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी ये कंपनी आपने जान गया कि अच्छा खासा बोनस देता है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, तो जब ये शेयर हमें लोअर लेवल पे मिलेगा क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो फिर इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, कभी भी हाइयर लेवल पे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर यही स्टॉक FMCG सेक्टर में होता, IT सेक्टर में होता तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे, फार्मा सेक्टर में अभी जैसे परफॉर्म कर रहा है तो अभी इन्वेस्ट कर सकते थे। ये स्टॉक अभी इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, या यहाँ पर ये अपने पिछले हाई पर रहता तो हम यहाँ पर 400 पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे ब्रेकआउट पे। अब यहाँ पर कोई रेंज बनाए, अगर ये कोई रेंज बनाता है, जैसे कि काफ़ी बड़ा रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ दिखा रहा है कि इसमें यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है या एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है, तो यहाँ पर कोई रेंज बना करके उसको अगर ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट पर, अगर कोई रेंज बना करके ब्रेक करता है तो अभी जस्ट क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर कोई रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है तो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज सिर्फ वेट करेंगे। जब प्राइस हमें शेयर का प्राइस सस्ते वैल्यूएशन पर मिलेगा तब फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।